ओम शांति। सुप्रभात। भविष्य सत्ययुगी दैवी राज्यर होवनहार दैवी आत्मा मानंकु आंतरिक ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुस्वागतम। शिव पुराण रे भगवान शिवंक विषय रे अनेक रोचक कथा वस्तु आदि रहिछि। जेमिति कि कुहा जाए शिवंकर तृतीय नेत्र खोलिला तो सबु किछि भस्म होइगला। तेबे एथिरे शिव कहिले शंकरंकर स्थूल शरीर को चित्रित करी कहानी प्रस्तुत करा जाइछि। वास्तव रे शिव हेउछन्ति कल्याणकारी, तेणु तांकर कर्तव्यवाचक नाम मध्य रहिछि शिव। से हेउछन्ति निराकार अशरीरी अजन्मा स्वयंभू अभोक्ता मुक्ति आउ जीवन मुक्तिदाता। परंतु शंकर हेउछन्ति तांकर रचना अर्थात संतान। तांकर शरीर अछि से मध्य विनाशकारी। बाकी कथा हेला तृतीय नेत्रर। वास्तवरे एहा हेउछे ज्ञानर कथा। कुहा जाए ज्ञान अंजन सद्गुरु देले अज्ञान अंधकार विनाश। तेबे सद्गुरु परमात्मा भगवान तो तृतीय नेत्र अर्थात ज्ञान नेत्र प्रदान करिला वाला ज्ञानर सागर। तांकर कौन तृतीय नेत्र बा खोलिबो? से एई पतित तम प्रधान अज्ञान अंधकार रूपक समय रे आसी आत्मा मानंकर ज्ञानर तृतीय नेत्र को खोलुछन्ति अर्थात आत्मा मानंकु सेमानंकर वास्तव स्वरूप एवं शक्तिर पूर्व स्मृति को जाग्रत करुछन्ति, जहाद्वारा आत्मिक शक्ति वृद्धि पाई असत्य अज्ञान एवं विकारीपणर अज्ञानता रूपक अंधकार समाप्त होई जाए, आत्मा शुद्ध पवित्र सतौ प्रधान दैवी गुण संपन्न होई सत्ययुगी स्वर्ग राज्यर अधिकार प्राप्त करुछि। एहा मध्य बुद्धि रूपक नेत्र अटे। वर्तमान यही ज्ञान द्वारा समस्त शास्त्र पुराण आदि वास्तविक रहस्य वास्तविक अर्थ को बुझी तुम्हें माने युक्तियुक्त एवं जोगयुक्त हुई विश्व कल्याण बा विश्व परिवर्तनर कार्यरे निजकु सहयोगी कराउछ। शिव बाबा कहुछन्ति मधुर आत्मिक संतानगण ज्ञानर तृतीय नेत्र द्वारा बाबांकु ही देख एवं बाबांकु मने पकाओ। एई देह देहर दुनिया वस्तु वैभव आदि को देखि मध्य देख नहीं। मो श्रीमत बा निर्देश अनुसारे एई पुरुणा दुनिया रे रही निजर कर्तव्य करी चाल। कारण एई पुरुणा दुनिया एबे श्मशान पालटी जीव। एठारे रावणर राज्य चली एहार तो समाप्ति निश्चिंत हेबो ही हेबो, जेहेतु एहार अवधि वर्तमान पूरा हेउछि। तेणु एहा सहित मन लगाओ नाही। एठारे रहुथिले मध्य बुद्धिर मोह नुआ दुनिया अर्थात आगामी सत्ययुगी स्वर्ग राज्य सहित रहिबा आवश्यक। घर गृहस्थरे रुह, परंतु पद्म फूल सदृश
न्यारा एवं समस्तंकर प्यारा हो रुह जनक राजा भली समस्तंक सहित संबंध रख मोह बा बंधन नुहे बुद्धिर जोग एकमात्र कल्याणकारी निराकार पतित पावन मुक्ति जीवन मुक्तिदाता शिव भगवानंक सहित लागि रहु मु जेऊ सत्य ज्ञान एवं सहज राजयोगर शिक्षा देउछि सेथिरे मजबूत हेबा दरकार किभलि भी परिस्थिति परिवेश बा विघ्न होइथाउ किंतु खुशी केबे भी कम न हेउ धैर्यशील होइ कर्म बंधन को काटी चालो कथारे अछि ना धैर्य ही सफलता को प्राप्त करै थाए गीतरे मध्य गाउछंती कि धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आया कि आया अर्थात एई पुरुणा अतीत दुनिया संपूर्ण परिवर्तन होई नूतन पवित्र सुखदायी दुनिया आसुची धैर्यर सहित श्रीमतरे चाल हाँ एही मार्गरे विघ्न बहुत आसीबो परंतु स्थिर एवं एकाग्रचित होई मो श्रीमत आधारे पुरुषार्थ करी चाल विजय तुमर सुनिश्चित। विभीषणंकर कहानी यहाँ एक बलिष्ठ प्रमाण प्रदान करे। भगवान कहुछंती तुमे माने ईश्वरीय उद्धारकारी सेना होई बुड़ी जाइथिबा संसार रूपक नौका को उद्धार करिबा दरकार। सारा मनुष्य समाज वर्तमान पतित तम प्रधान होई मूल्यहीन हो जाइछंती समस्तंकु कौड़ी तुल्यरु हीरा तुल्य करिवार सेवा करिवा आवश्यक। कुहा जाए ना ज्ञान दान कले बढ़ी बढ़ी चले तेबे ज्ञान दान रे केबे भी कंजूसी अर्थात कृपण हेबा उचित नुहे। निजर मन को शिव बाबा एवं नुआ दुनिया सहित लगाई रखिबा को हेबो जेहेतु वर्तमान तुम मानंकु सेही दुनिया को जीवार अछि एही पुरुणा दुनिया को छाड़िबार अछि भगवानंक प्रदत्त दिव्य बुद्धि द्वारा सर्वदा दिव्यता को ग्रहण करुथिबा सफलता मूरत आत्मा हुआ कारण दिव्यता ही सफलतार आधार अटे। अशुद्ध कार्यर प्रभाव दिव्य बुद्धि संपन्न आत्मा मानंक उपरे केबे भी पड़ी पारि नथाए। जदि निजकु एई दुनिया रे अतिथि मने करि रहिबो तेबे स्थिति अव्यक्त बा महान होई जीवो कौनसी परिस्थिति बा विघ्न विचलित करि पारिबो नाही। प्रत्येक मुहूर्त को नाटकर दृश्य भळि उपभोग करी भविष्य भाग्य प्राप्तिर खुशी रे मस्त रहि पारिबो। अच्छा आजि पई एतिकि पुणि आसंता काले ठीक एई समय रे आमे माने समस्ते एकत्रित हेबा सेई कल्याणकारी पतित पावन निराकार शिव भगवानंकर आउ किछि कल्याणकारी महावाक्य को आलोचना करिबा धारण करिबा एवं निज जीवन को परिवर्तन करिबा सहित सारा विश्वर कल्याण करि चलिबा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।